इसमें मैक्स प्रो M2 में 410 MB का एक अपडेट है, और जो कि अभी मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप कर लीजिए अपडेट। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक खुशखबरी है कि ASUS ZenFone Max Pro M1 और ASUS ZenFone Max Pro M2 में स्टेबल पाई अपडेट मिल चुका है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि ASUS ZenFone Max Pro M2 में स्टेबल पाई अपडेट है, लेकिन जो ASUS ZenFone Max Pro M1 है उसमें हम लोगों को स्टेबल पाई अपडेट मिल चुका है, और इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। आप इसके लिए आप अपने सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद अबाउट फ़ोन में चेक करिए, वहाँ पर सिस्टम अपडेट नाम का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको ASUS ZenFone Max Pro M1 के लिए स्टेबल पाई अपडेट मिल चुका होगा। अरे ASUS ZenFone Max Pro M2 की बात, वहाँ पर अगर आप बीटा आप टेस्टिंग के लिए अप्लाई आपने करा है 9 पाई के लिए, आप बीटा टेस्टर हैं, तो आप सेटिंग में जाइए और वहाँ पर चेक करिए जाके अबाउट फ़ोन में उसके सिस्टम अपडेट में, वहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ कि ASUS ZenFone Max Pro M2 में 410 MB का एक अपडेट है, और जो कि अभी मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप कर लीजिए अपडेट, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। मैं इसकी वीडियो शाम तक या कल तक अपलोड कर दूंगा, सो अभी इसको आप अपडेट मत करिएगा। और मैं ये भी जान सकता हूँ, जानना चाहता हूँ, अगर आपको ASUS ZenFone Max Pro M2 का कोई स्टेबल यूज़र मीन 8.0 यूज़र हो, उसको अपडेट मिल गया हो, तो मुझे कमेंट करें और बताएं कि हाँ अपडेट हो गया है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो ASUS ZenFone Max Pro M2 में जो बीटा टेस्टिंग वाले यूज़र्स हैं उनको ये अपडेट मिल चुका है 410 MB का। अब ये शायद इसमें मैंने किया था तो उसमें लिखा था एंड्रॉयड P। अब ये अपडेट किस तरीके का, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या है, मैं इसकी वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये अपडेट नहीं करना, मैं आपसे विनती करूँगा, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई बग्स हों, प्रॉब्लम्स हों, सो बग्स एंड प्रॉब्लम मैं फेस करूँगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे ये अपडेट है तो मैं इसके कुछ देर बाद ही मैं आपको वीडियो दे दूँगा अच्छी सी। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को शेयर कर दिए अपने ASUS ZenFone Max Pro M2 या M1 जिन लोगों के पास भी हो, उस वीडियो को फैला दीजिए, बता दिए कि इन फोन में अपडेट आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको अपडेट ना मिले तो आप क्या करिए, अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए और फिर से एक बार चेक कर लीजिए सेटिंग में जाकर, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।